गाइस आपको हमारे यूनाइटेड नेशन की सीरीज में स्वागत है। अभी तक आपने मेरा यूनाइटेड नेशन का वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके हमारे चैनल पर जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी और वही बात करें तो इसका मुख्य काम होता है कि एक दूसरे देशों के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करना। और वहीं इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। वहीं हम जजों की बात करें तो इसमें कुल 15 जज होते हैं और प्रत्येक जजों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। आईसीजे मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का 1945 से पहले नाम हुआ करता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। बाद में इसका 1945 के बाद यूएन के बनने के बाद इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रख दिया गया। वहीं हम जजों की चयन की प्रक्रिया की बात करें तो कोई भी दो जज एक देश से नहीं हो सकते हैं और जजों की डायरेक्ट नियुक्ति यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा की जाती है। वहीं हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो दो लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। गाइस आपको यह 1 मिनट का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग 1 मिनट जीके के वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।